ये बैटरी चार्जर है और ये हमारा एडाप्टर है। दोनों की सर्किटरी सेम है, बस वायर का डिफरेंस है। इसमें एडाप्टर वायर लगा हुआ है, इसमें बैटरी वायर लगा हुआ है, जो कि इससे हम 12 वोल्ट की 7 एम्पियर जो यूपीएस बैटरी होती है, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, अप टू 15 एम्पियर हम इसे बैटरी चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट इससे ड्रॉ कर सकते हैं 1.6 to 1.8 एम्पियर, बट इसकी कैपेसिटी है 2.5 एम्पियर की। सेम कैपेसिटी दोनों की है। इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जो चार्जेबल फैंस आते हैं उसको चार्ज कर सकते हैं इससे। इसका मेन यूटिलिटी क्या है, एज़ कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मैंने बोला आपको 2.5 एम्पीयर की कैपेसिटी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पंखा चलने के साथ साथ चार्ज भी होगा बैटरी। और इसके अलावा हम इसकी यूटिलिटी क्या कर सकते हैं, जो एलईडी टीवी से होते हैं जिसमें कि डीसी सॉकेट होता है उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर डीटीएच में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके रिलायबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कैपेसिटी अच्छी है। इसके मैं दो टेस्ट दिखाऊंगा अभी, एक नॉर्मल मोड में और एक एडवर्स कंडीशन दिखाऊंगा कि बुरे से बुरे कंडीशन में भी कैसे बच पाता है। अब मैं बैटरी चार्जर को ऑपरेट करके दिखाता हूँ नॉर्मल कंडीशन में। ये हमारा 12 वोल्ट से नंबर की बैटरी है। अब मैंने लगाया इसको, मैंने ऑन किया। सबसे पहली चीज़ बता दूँ आपको, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। देखिए, मैं गलती से अगर शॉर्ट कर दूँ कोई बच्चा घर में तो ख़राब नहीं होगा। देख रहे हैं, बंद हो जा रहा है लाइट सामने पर ख़राब नहीं हो रहा। अब मैं लगाता हूँ बैटरी में। ये मैंने बैटरी प्लस के प्लस में लगा दिया। चार्ज करने के लिए माइनस माइनस लगाना है, चार्ज होगा। बट मुझे आपको दिखाना है कि कैसे चार्ज कर रहा है, कितना स्पीड से चार्ज कर रहा है। तो ये रहा मेरा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर करंट की सेटिंग कर रखी है मैंने। अभी ये देखिए, 1 एम्पीयर बैटरी खींच रहा है एडाप्टर से। 12 वोल्ट चार्ज है। अभी देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बैटरी को प्रॉपर तरीके से फुल चार्ज करेगा। अभी बैटरी चार्जर का आपने देखा नॉर्मल ऑपरेशन, अब मैं इसका एडवर्स ऑपरेशन। पहले इस वजह से उड़ रहे थे बैटरी चार्जर लोगों के, या लोग अभी भी दूसरी कंपनी को उड़ते हैं क्योंकि लोग ओवरलोड देते हैं इसके ऊपर, जैसे कि एकदम डीप डिस्चार्ज या शॉर्ट बैटरी हुई तो ख़राब हो जाता है। अब मैं दिखा रहा हूँ, मैं बैटरी चार्जर को कन्वर्टर से जोड़ रहा हूँ, मतलब कन्वर्टर की पावर आएगी बैटरी चार्जर से। ये देखिए प्लस के प्लस जोड़ दिया कन्वर्टर का मैंने, कन्वर्टर का मैंने जोड़ दिया मैंने, तो मैंने स्विच ऑन कर दिया। ये देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। अगर मैं बैटरी चार्जर को ऑफ कर दूँ तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ऑन किया, ये नॉर्मल ऑपरेशन है क्योंकि इसकी कैपेसिटी है इसको जलाने की। अब इसकी कैपेसिटी नहीं है 100 वाट के बल्ब जलाने की, तो अब दो ऑप्शन है, या तो इसको उड़ जाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। ऑन है, 100 वाट का लोड दिया है इसके ऊपर, ये ख़राब नहीं हो रहा। धीरे धीरे अपना जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना इसको जलाने की कोशिश कर रहा है, इससे ये ख़राब भी नहीं होगा और अपना ऑपरेशन भी करेगा, जिससे हम इसको हाई से हाई लोड पे जला सकते हैं।